हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है बहुत बड़ी जॉब अपडेट आने वाली है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से यानी कि सेबी की तरफ से ग्रेड ए ऑफिसर जो कि एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है इसमें वैकेंसीज आने वाली है मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर एंड तक या जनवरी फर्स्ट वीक में सेबी ग्रेड ए ऑफिसर की नोटिफिकेशन आ जाएगी सेबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है और यहां अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकलती है जैसे जनरल लीगल सिविल आई इलेक्ट्रिकल एंड और भी अदर डिपार्टमेंट है जहां वैकेंसीज निकलती है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी तो आप जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर यहां सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ थ्री स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होता है प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू फेज वन प्रीलिम्स होता है मोस्ट प्रोबेबली फरवरी सेकेंड वीक या थर्ड वीक में फेज वन आपका होगा एंड इसके बाद वन मंथ का टाइम मिलता है फेज टू के लिए एंड फेज टू मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक में होगा सेबी ग्रेड ए ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो बेसिक पे ट्वेंटी एट थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी है अगेन अभी वेज रिवीजन यहां पेंडिंग है वेज रिवीजन जैसे आरबीआई में इंप्लीमेंट कर दिया गया है तो सेबी में भी जल्द वेज रिविजन आ जाएगा एंड उसके बाद सैलरी यहां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी लेकिन अभी के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो बेसिक पे ट्वेंटी एट बने फिफ्टी है इनहैंड सैलरी लगभग सिक्सटी थाउजेंड बनती है इसके अलावा अगर पर्कस एंड अलाउंसेज की बात करें तो लगभग ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मंथली अलाउंसेज आपको मिलते हैं एंड अगर आप मुंबई जैसे सिटी में रहते हो तो यहां पे आपको लीज एकोमोडेशन मिलता है जिसके लिए लीज रेंट लगभग थर्टी फाइव थाउजेंड आपको मिलता है तो अगर एनुअल सीटीसी देखे तो फिफ्टीन ,00 से भी ग्रेड ए ऑफिसर की एनुअल सीटीसी है इसके अलावा अगर जॉब टाइमिंग की बात करें तो एट आवर्स की आपकी ड्यूटी होती है मंडे टू फ्राइडे आपकी ऑफिस रहेगी एंड वीकेंड ऑफ होता है तो वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी बेहतर है एज कंपेयर टू अगर आप किसी एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ से कंपेयर करें और अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी कंपेयर करो तो यहां वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छी है अगर यहां प्रिपरेशन की बात करें तो अगर आप देखोगे तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर के जॉब्स है या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के जॉब्स है उसमें जो आ, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं लगभग सारे में सेम ही रहते हैं सारे का सिलेबस लगभग सेम रहता है एप टी रीजनिंग इंग्लिश एंड जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप फेज वन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एंड फेज टू का जो सिलेबस रहता है उसे भी आप देख के उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि आप कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कौन कौन सी नोटिफिकेशन की अभी वेट कर रहे हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले थैंक यू